कांग्रेस के हिसुआ विधायक नीतू सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो रही तस्वीरें पुरानी है और सारी बातें बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं खानदानी कांग्रेसी हूं और रहूंगी, भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा वो दिल्ली अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंची हैं, लेकिन मेरे दिल्ली जाने की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और पुरानी तस्वीर को वायरल कर भाजपा से मिलने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के ना सिर्फ साथ हैं बल्कि कांग्रेस के प्रति समर्पित भी हैं और कांग्रेस में आस्था है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में किसी राजनीति दल से मिलने के लिए नहीं बल्कि वो अपनी बेटी के पास गई है। दरअसल बिहार में सियासी पारा गर्म है, महागठबंधन के विधायक लगातार पाला बदल रहे हैं। ऐसे में बीते दिन कांग्रेस विधायक नीतू सिंह सुर्खियों में आ गई। विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों को उनके द्वारा दिए गए बयान की भाजपा अगर लोकसभा का सीट देगी तो वो भाजपा में शामिल होने के बारे में सोचेंगे के बाद सियासी पारा हाई हो गया। लगातार कयास लगाए जाने लगे कि नीतू सिंह भी कांग्रेस को छोड़ने वाली है। इसी बीच बीती रात एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर में नीतू सिंह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ मौजूद थी। फिर क्या था, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। वही जब खबरों के पीछे की सच को जानने के लिए पत्रकारों ने कांग्रेस की हिसुआ विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ने बातचीत के दौरान बताया कि उनकी वायरल तस्वीर पुरानी है। जब दोनों डिप्टी सीएम बने थे तो हम औपचारिक मुलाकात के दौरान दोनों को बधाई दिए थे, उसी समय की ही तस्वीर है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं। के बाद सियासी पारा हाई हो गया। लगातार कयास लगाए जाने लगे कि नीतू सिंह भी कांग्रेस को छोड़ने वाली है। इसी बीच बीती रात एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर में नीतू सिंह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ मौजूद थी। फिर क्या था, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। वही जब खबरों के पीछे की सच को जानने के लिए पत्रकारों ने कांग्रेस की हिसुआ विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ने बातचीत के दौरान बताया कि उनकी वायरल तस्वीर पुरानी है। जब दोनों डिप्टी सीएम बने थे तो हम औपचारिक मुलाकात के दौरान दोनों को बधाई दिए थे, उसी समय की ही तस्वीर है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंची हूं, मैं किसी भी राजनीतिक दल से मिलने के लिए दिल्ली नहीं आई हूं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।